So recently there was a cultural program organized in our medical college, but unfortunately I cannot participate in that program. You know why? Because I am a senior. So hey everyone, once again welcome back to my channel. My name is Shashi Kumar and currently I am pursuing my third year of MBBS, and in this video I will be sharing a lot of experiences, a lot of memories and a lot of information regarding first year of MBBS. So I hope this video will help you a lot. If you are a NEET aspirant, then you are going to motivate a lot. If you are a NEET 2022 aspirant जिन्होंने बहुत अच्छा marks score किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ इससे सीखने को मिलेगा कि आप मेडिकल कॉलेज में अभी आ रहे हो कुछ दिन के बाद, तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ेगा. So make sure you watch the video till the end, and if you are first time on my channel, तो consider subscribing if you like my video. यार वीडियो को शुरुआत हम कर रहे हैं ना, जो मेरा सबसे पहला पार्ट था जब हम पहली बार MBBS मतलब मेडिकल कॉलेज में आए थे काउंसलिंग के लिए. तो काउंसलिंग के लिए जब सबसे पहले दिन आए थे हम कॉलेज में, तो मुझे कॉलेज का एकेडमिक कैंपस जो था काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था. ठीक है, यू नो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था. एंड मैं क्या कहता अपने फ़ोन से कुछ वीडियोस वगैरह वहाँ से फोटोज़ वगैरह शूट करने लगा था, तो पीछे से एक गार्ड जी आते हैं और वो बोल रहे थे कि फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, आप फोटो नहीं ले सकते हैं. तो उस समय मुझे लगा कि शायद इनको पता नहीं है कि मेरी एडमिशन यहाँ पर हुई है और मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ. तो मैंने ऐसा गार्ड जी को बोला कि गार्ड जी मेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ है और मैं फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ. तो उस समय जो रिएक्शन गार्ड जी का था, दैट वाज लाइक ऑसम. एंड उस समय मुझे लगा था यार कि यस आई एम नाउ अ मेडिकल स्टूडेंट. और उस समय मुझे सबसे अच्छा फील हुआ लाइक ए रेस्पेक्ट टर्म, है ना. उस समय गार्ड जी ने बोला कि ओके यू कैन टेक फोटो, अच्छा ठीक है आप ले लो. सबसे अच्छा और एक्सपीरियंस तो था स्टार्टिंग, मुझे ऐसा लगा था अच्छा यहाँ पे गार्ड जी रेस्पेक्ट भी करते हैं मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को. ठीक है, बहुत रेस्पेक्ट से उन्होंने बोला था कि ओके यू कैन टेक इट. जर्नी जो शुरू होती है ना, वो जर्नी शुरू होती है एक फाउंडेशन कोर्स से. फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में एक फाउंडेशन कोर्स होता है अबाउट 15 टू 16 डेज का, जहाँ पे ओरिएंटेशन होता है कि आपके कॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं. लाइक कि मेरे को वार्ड विजिट वगैरह करवाया गया था एंड बहुत सारे कुछ नए नए एक्टिविटीज सिखाए गए थे, रीजनल लैंग्वेज सिखाए गए थे, कुछ मतलब अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं ना, लाइक सॉन्ग वगैरह डांस करना या फिर कुछ ये सब चीज़ें बॉक्सिंग ये पता नहीं क्या क्या, और कुछ गेम्स वगैरह भी सिखाए गए थे. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि मुझे फर्स्ट ईयर में ही हम लोगों को वार्ड वगैरह विजिट करवाया गया था. एंड दैट वाज लाइक ऑसम एक्सपीरियंस. जब आप पहली बार वो जो ड्रीम ड्रेस होता है ना, दैट इज एप्रन, योर एप्रन, वो पहन के आप पहली बार वार्ड में जाते हो, इतना मेहनत करने के बाद नीट में, इतना मेहनत करने के बाद आप कॉलेज में आते हो और स्टार्टिंग में ही आप वार्ड में जाते हो, मतलब आप पेशेंट को देख रहे हो तो पेशेंट आपको देख रहा होता है. दैट वॉज लाइक एन ऑसम एक्सपीरियंस जो मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में ही फेस किया था. एंड मेरा जो बैच था ना 2019 पहला बैच था जहाँ पे ये सारे चीज़ें, ये सारे करिकुलम्स पहली बार आए थे कि फाउंडेशन कोर्स नाम का कुछ ये था. अब सारे बैच में आ रहे हैं 2019 बाद 2020-21 आप लोग स्टार्टिंग में ही मेडिकल कॉलेज के वार्ड वगैरह विजिट करोगे. तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट. उस फाउंडेशन कोर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा भी था, लाइक बेसिक एथिक्स ऑफ डॉक्टर, पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट करना है. एंड एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टेक्निक सीखा था, दैट वॉज CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन. जैसे आप कोई जो पेशेंट होता है ना, या फिर कोई चौक कर जाता है यहाँ पे गला में, तो उसको कैसे ऐसे करके, आपने शायद मूवी वगैरह में देखा होगा ना, ऐसे गला में प्रेस करके यहाँ पे, तो वो फ्री किया जाता है. सो वो चीज़ मैंने फर्स्ट ईयर में वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स में सीखा था. तो जो मेरा फर्स्ट क्लास था ना, फर्स्ट क्लास था आई थिंक एनाटॉमी का था. ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा होता था कि क्लासेस जो होते हैं, सबसे पहले फिजियोलॉजी होता था एंड देन हमारा एनाटॉमी, एंड कुछ डेज के बाद बायोकेमिस्ट्री, मतलब बायोकेमिस्ट्री वीक में 2 दिन था. सो लेट मी टेल यू एन ओवरव्यू अबाउट फर्स्ट ईयर MBBS. ये जो फर्स्ट ईयर MBBS होता है ना, ये टोटल मिला के 13 मंथ का होता है अप्रॉक्सीमेटली. नाउ इसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. और यहाँ पे जो एग्जामिनेशंस होते हैं ना, 3 सेमेस्टर एग्जाम होते हैं और 1 यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं. ओके, तो ये जो हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे माना जाता है
माना जाता है कि सबसे टफ सब्जेक्ट एनाटॉमी होता है एंड देन फिजियोलॉजी एंड देन बायोकेमिस्ट्री, बट अकॉर्डिंग टू मी फिजियोलॉजी वाज टफ। जो मेरा फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुआ था एनाटॉमी का, तो उसमें उस क्लास में लिटरली मैं बता रहा हूँ, आई फील रिग्रेट कि वाई आई केम इन MBBS, ठीक है, लिटरली आई फील रिग्रेट कि वाई आई केम इन MBBS। मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जब मैं पहली क्लास में गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था, पहले से मुझे ऐसा लगता था कि MBBS में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, MBBS थोड़ा सा मस्ती वस्ती करना है, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं था और YouTube पे इतना बताने वाले भी लोग नहीं थे। तो उस क्लास में मैं पहली बार गया था तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि यार क्यों मैं MBBS में आ गया। रीज़न ये था कि यार जब मैं पहली क्लास में गया तो जो हमारे प्रोफेसर थे वो आए, 7-8 बुक का नाम लिखवा दिए कि ये सारे बुक खरीद लेना सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में, दैट इज़ एनाटॉमी। विश्राम सिंह खरीद लेना, पौधार खरीद लेना फॉर ऑस्टियोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी के अलग से खरीद लेना, न्यूरो एनाटॉमी के लिए अलग से खरीदना, डाइसेक्शन के लिए अलग से खरीदना और हिस्टोलॉजी के लिए अलग से खरीदना, कनिंगम अलग से खरीदना, ग्रेज एनाटॉमी अलग से खरीदना। तो यार इतने सारे बुक्स एक बार में बता दिए थे और वो बुक लाए भी थे, और उस बुक का मतलब हाइट देख के यार इतना हाइट, वो भी एक सब्जेक्ट में, मुझे तो यार लगा था कि यार इतना पढ़ना पड़ता है, वो भी फर्स्ट ईयर MBBS में। बट यार जब रात में हमारे सीनियर लोग हमसे मिलने आए थे, मतलब दैट वाज लाइक एन इंटरेक्शन बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स, उस समय यार सीनियर लोग मुझे गाइड किए कि ऐसा नहीं है, इतना सारा बुक नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ ये 3 बुक खरीद लेना, बाकी और दूसरा बुक नहीं खरीदना। एंड दैट वाज लाइक ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो सीनियर लोग वहाँ पे ऐसे ही होते हैं, मतलब कॉलेज में जो सीनियर्स होते हैं ना, वो गाइड करने के लिए भी होते हैं, थोड़ा सा मस्ती वस्ती के लिए भी होते हैं, मतलब तुम्हें अच्छा लगेगा सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करने में। हाँ, सीनियर ने एक और चीज़ सजेस्ट किया था कि यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही लोग नीट पीजी का प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उस समय मैं भी, मुझे भी उतना ज्ञान नहीं था, बट धीरे धीरे पता चला सीनियर से ही कि यार नीट पीजी का प्रिपरेशन करना होता है, क्योंकि कॉलेज में उतना इफेक्टिव लेक्चर्स नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉलेज के क्लासेस होते हैं मॉर्निंग में होते हैं, और मॉर्निंग में आप जनरली नींद में रहते हो तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि लेक्चर्स वगैरह ले लेना, ठीक है। तो यार उन्होंने मुझे प्रेपलेटर का सजेशन दिया था। प्रेपलेटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप नीट पीजी का प्रिपरेशन कर सकते हो, और यहाँ पे आपको यार MBBS फर्स्ट ईयर से लेकर MBBS फाइनल ईयर तक सारे वीडियोज, लेक्चर, सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन बैंक, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो बेसिकली मेरा मेन फोकस है फर्स्ट ईयर पे। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एनाटॉमी में सबसे बेस्ट टीचर डॉक्टर राजेश कुमार कौशल सर पढ़ाए हैं, एंड फिजियोलॉजी डॉक्टर विवेक नालगिरी सर, एंड बायोकेमिस्ट्री टॉट बाय डॉक्टर स्माइली पुरोहित पावा मैम। तो यार ये जो टीचर्स है ना, लिटरली मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे थे, बहुत अच्छा पढ़ाए भी थे। एंड यू नो कि प्रेप लेटर पे आपको सारे वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, और आपको उसके साथ नोट्स भी मिलता है। अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हो हार्ड कॉपी में तो वो भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वो जो नोट्स होते हैं ना, उस नोट्स में एकदम क्लियर डायग्राम भी रहते हैं, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट बॉक्स के फॉर्म में रहते हैं। और एक और खास बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारे निमोनिक्स रहते हैं, कुछ भी चीज़ों को याद करने के लिए निमोनिक्स भी रहते हैं। अगर आप वहाँ क्वेश्चन बैंक के बारे में पूछो तो क्वेश्चन बैंक भी काफ़ी ज़्यादा मुझे बेटर लगा था, और सबसे बेस्ट मुझे क्वेश्चन बैंक ही लगा। यू नो व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन बैंक में अगर आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो उसके अटेम्प्ट करने के बाद वहाँ पे सारे ऑप्शन का एग्जैक्ट आपके पास एक्सप्लेनेशन रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑप्शन का, नहीं, सारे ऑप्शन का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन रहता है, और ट्रीजर भी होता है, मतलब कि जो टॉपिक पे वो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल भी दिया रहता है। और एक और खास बात थी कि वहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो क्वेश्चन किस टॉपिक से है उस टॉपिक का एक रिलेटेड वीडियोज भी रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे काफी ज्यादा बेटर लगा था प्रेप लेटर पे। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी आने वाले हो तो एटलीस्ट एक बार प्रेप लेटर को चेक जरूर करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप पहली बार प्रेप लेटर इंस्टॉल करें तो आपको 24 आवर्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है, ठीक है, तो यू कैन चेक इट आउट। तो यार ये जो सीन था, यहाँ पे हम लोग को सीनियर ने गाइड किया था कि यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। हम लोग क्लासेस जो होती थी जनरली 8 बजे सुबह से लेके 2 बजे शाम तक होती थी, ठीक? अब यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का हर रोज क्लास नहीं होता था, जनरली 2 सब्जेक्ट का होता था और एक डाइसेक्शन जो हर रोज 2 घंटे का लास्ट में होता था। सबसे पहले जो क्लासेस होती थी जनरली फिजियोलॉजी क्लासेस होती थी सबसे पहले। तो यार फिजियोलॉजी क्लास की एक बहुत ही औसम मेमोरीज है मेरे पास। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं 7:50 में उठा था, ठीक है, मॉर्निंग में 7:50 में उठा था, और उठते ही यार मैं चला गया था क्लास में, क्योंकि मुझे पता था क्लास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस चाहिए होता है 75%। अगर आप अटेंडेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो शायद आपका सेंटअप नहीं होता, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो एक्चुअली वहाँ पे जो टीचर थे ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, अगर आप 8 बजे के बाद जाते हो क्लास में तो यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। एक टीचर थे वैसे, और उस दिन यार उसी टीचर का क्लास था, मैं 8 बजे मतलब 8:01 में ऐसा कुछ पहुंचा था क्लास में, एंड आई वाज सेइंग लाइक कि जो डोर है वो क्लोज हो चुका है एंड अब हम क्लास के अंदर नहीं जा सकते हैं।
फिर मैंने सोचा यार कि अब क्या करें यहाँ पे, तो मतलब मैंने क्लास के पीछे झांक के देखा भी था कि यार कहीं एंट्री मिल जाए, बट एंट्री मिला नहीं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मुझे लौट के फिर से किसी दूसरे क्लास में बैठना पड़ा था, और वो क्लास जब ख़त्म हुआ तो फिर दूसरा क्लास हमें अटेंड किए थे। फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसा होता है ना कि समझना होता है और प्लस याद भी करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि फिजियोलॉजी मुझे काफ़ी टफ लगता था। वैसे फिजियोलॉजी का जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होता है ना, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पे आप स्टीथोस्कोप यूज़ करते हो, स्फिग्नोमैनोमीटर यूज़ करते हो, जहाँ पे आप ब्लड का एनालिसिस करते हो, जो आपने सुना हो ना कि MBBS खून मांगती है, तो वो MBBS फिजियोलॉजी में ही खून मांगती है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल होता है, दैट इज़ हेमाटोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे आप अपने ब्लड का खुद से एनालिसिस करते हो, RBC देखते हो, WBC देखते हो, एंड प्लेटलेट्स देखते हो, एंड बहुत सारा एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो वहाँ पर ये भी एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस था भाईवा के टर्म में, मैं आगे बता रहा हूँ, भाईवा पे बात करेंगे। तो फिजियोलॉजी में ऐसा हुआ था यार कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था वही क्लिनिकल एग्जामिनेशन वगैरह। वहाँ पहली बार ब्लड ग्रुपिंग भी चेक किया था, अपना खुद से ब्लड ग्रुप चेक किया था, दैट वाज माय बी पॉजिटिव। अगर किसी के पास है तो मुसीबत में डोनेट करना, भैया ने बहुत हेल्प किया है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट वाज डाइसेक्शन। डाइसेक्शन हॉल की अलग ही स्टोरी होती है। डाइसेक्शन हॉल में सबसे ज़्यादा कपलिंग होता है ना, कपलिंग समझते हो ना, रिलेशनशिप में आना, वो चीज़ आई थिंक डाइसेक्शन हॉल में होता है। ठीक है, डाइसेक्शन हॉल में यार एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया था कि मैं हमेशा ये सोचता कि लड़की लोग जो होती है वो काइंड हार्टेड होती है, काइंड हार्टेड मतलब समझते ना वो होती है, बट वहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा, ये चीज़ डिस्प्रूव हो गया था। यू नो व्हाई, बिकॉज सबसे पहली क्लास जो डाइसेक्शन थी उसमें मैं सोच रहा था यार कि मैं नहीं करूँगा या फिर मैं करूँगा, ठीक है, ऐसा मैं कन्फ्यूज था। टीचर ने बोला कि 2-3 स्टूडेंट आ गया जो डाइसेक्शन करेंगे, बट यार कोई आया ही नहीं, कोई लड़के नहीं आ रहे थे, एंड अनफॉर्चुनेटली 2-3 लड़की आगे गई, एंड दे आर लाइक चेस्ट का कुछ मसल्स वगैरह, ऊपर का स्क्रीन वगैरह रिमूव करना था। एंड उस समय मुझे महसूस हुआ था कि लड़की लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, काइंड हार्टेड नहीं होती है। एनाटॉमी का जो डाइसेक्शन होता है ना, वहाँ पे आप हर एक ऑर्गन को हाथ पे उठा रहे होते हो, हर एक ऑर्गन को आप खुद से देख रहे होते हो, और ये जो एक्सपीरियंस है ना लिटरली ऑसम होता है। जो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं ना जिसको मेडिकल प्रोफेशन के बारे में नहीं पता है, वो ऐसे बोलते रहते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन जिस सब सिर्फ बोरिंग है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है ये वो, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल प्रोफेशन से आई थिंक अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल रूप से देख रहे होते हो, हर एक चीज़ को आप डील कर रहे होते हो। अगर आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आप रियल पेशेंट्स को आप डील कर रहे होगे। ठीक है, तो यार इससे अच्छा एक्सपीरियंस और क्या चाहिए। यू आर गोइंग टू सेव अ लाइफ, यू आर गोइंग टू गिव अ स्माइल टू ए पेशेंट। ठीक है, रोते हुए आदमी को खुश कर देना काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो यार MBBS में ये चीज़ आपको बहुत देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं यार भाईवा वाली एक्सपीरियंस। ठीक है, ये लिटरली सबसे ज़्यादा ऑसम होती है, जहाँ पे हर एक आदमी की एक न एक बार MBBS में बेइज्जती जरूर होती है। हाँ देखो, एक चीज़ ऐसा होता है यार कि MBBS के स्टार्टिंग में आप बहुत कुछ इन्जॉय कर रहे होते हो, बहुत सारा पार्टीज इन्जॉय कर रहे होते हो, बहुत सारे सीनियर्स का इंटरेक्ट कर रहे होते हो, आपस में मस्ती खूब मस्ती कर रहे होते हो, खूब डांस कर रहे होते हो। मैंने पहली बार डांस करना MBBS में स्टार्ट किया था अपने कॉलेज में, लिटरली दिस इज़ अ रियल ट्रूथ। तो यार बहुत सारा एंजॉय कर रहे होता है, लिटरली बहुत, आप सोच भी नहीं सकते उतना एंजॉय कर रहे होते हो। बट अनफॉर्चुनेटली सडनली एक समय आता है जब आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आता है कि आपका सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है कुछ दिन के बाद। उस समय आपको फील होता है कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारा समय वेस्ट कर चुके होते हो। मैं टॉपर लोगों का बात नहीं कर रहा, टॉपर लोग तो नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, बट हम लोग जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स पढ़ाई का मस्ती बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली पता चलता है कि यार एग्ज़ाम आने वाला है। फिर मैं बता रहा हूँ, फिर आते हैं हमारे सीनियर्स जो फर्स्ट ईयर में लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, आप अपना बुक लेके जाओगे, आपको लिटरली कुछ आइडिया नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, आपको ये भी आइडिया नहीं कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, डायग्राम कैसे बनाना है, एंड ऑल कुछ भी आपको आइडिया नहीं होता। आप सीनियर के पास जाते हो, मार्क कर देते हैं, फिर आप वही सारी चीज़ों को पढ़ते हो, क्योंकि सीनियर को एक आइडिया रहता है कि क्या पूछा जाता है, हमारे कॉलेज में क्या पूछा जाता है, वो उन्होंने भी एक्सपीरियंस कर चुका है। तो वो फेज़ होता है कि आपको सडनली फिर सीनियर के पास जाना पड़ता है, सीनियर मार्क करते हैं, फिर वो सारी चीज़ को पढ़ते हैं, फिर जाके सेमेस्टर एग्जाम को पास करते हैं। फाइन, तो यार जो ये जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, इसमें एक पार्ट आते हैं, दैट इज़ वाइवा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार भाईवा का। ठीक है, भाईवा जो MBBS में भाईवा की सबसे ज़्यादा आपने सुनी होगी कि भाईवा में बहुत बेइज्जती होता है, भाईवा में ये होता है, भाईवा में वो होता है। मैं तीनों सब्जेक्ट का एक एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो लिटरली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। एनाटॉमी का भाईवा, ठीक है, एनाटॉमी का भाईवा मेरे एक टीचर लिए थे, ठीक है, टीचर लिए थे एनाटॉमी में। ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि वाई हर्ट इज़ कॉल्ड हर्ट,
मेरे हाथ में हर्ट दे दिया गया, बोला पहले बोला कि एक ऑर्गन उठाओ यहाँ से, मैंने उठाया एंड हाथ पे रख लिया, एनाटॉमिकल पोजीशन में रख लिया। एंड टीचर पूछते हैं एक क्वेश्चन, व्हाट इज दिस ऑर्गन, मैंने बोला हर्ट। देन वो पूछते हैं कि व्हाई हर्ट इज कॉल्ड हर्ट, एंड अब हम सोच रहे हैं यार यहाँ पे मैं आंसर क्या करूँ, व्हाई हर्ट इज कॉल्ड हर्ट इज कॉल्ड हर्ट बिकॉज इसका फंक्शन है पंप करना। तो उस समय मुझे ये लगा कि यार बोलते हैं कि फंक्शन है इसका पंप करना ब्लड, सो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड हर्ट। बट सर ने बोला कि नहीं ये आंसर नहीं है, पढ़ के आना, ठीक है। एंड मुझे लगा यार ऐसा क्या पढ़ के आना। फिर ऐसा होता है एक, फिर दूसरा ऑर्गन उठाया, बोला कि ये उठाओ, फिर मैंने लंग्स उठाया, ठीक है। एक्चुअली उस समय मुझे पता चला था कि ये जो लंग्स है ना, ये लंग्स नहीं है, आपने एक ही जो ये जो लंग्स होते हैं ना हमारे पास, ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, और एनाटॉमी का जो वो ट्रे होता है ना उसमें एक 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 पार्ट अलग से रखा रहता है, ठीक है। तो मैंने एक पार्ट को उठाया था, टीचर ने पूछा कि क्या है ये, मैंने बोला लंग्स, फिर बोलता लंग्स आपने एक ही लंग उठाया, तो ये दिस इज लंग नॉट लंग्स। नेक्स्ट मैंने सीखा था वहाँ पे, वाज द न्यू एक्सपीरियंस। एक और एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर सकता हूँ, दैट वाज फिजियोलॉजिक प्रैक्टिकल में। फिर MBBS फर्स्ट ईयर में जब फिजियोलॉजी का वाइवा हुआ था मेरा, एक प्रैक्टिकल हुआ था, तो हेमाटोलॉजी का एक प्रैक्टिकल हुआ था, ठीक है, उसी पे वाइवा हुआ था। तो प्रैक्टिकल में क्या था कि हमको ब्लड का एनालिसिस करना था, ठीक है, और वहाँ पे जितने भी WBCs हैं सबको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, मुझे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता था कितना परसेंट होता है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है कि न्यूट्रोफिल इतना परसेंट, मोनोसाइट इतना परसेंट, बेसोफिल्स इतना, इयोसिनोफिल इतना, तो ये सारा कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, वो आपको माइक्रोस्कोप में देख के कैलकुलेट करना पड़ता है, बट मुझे वो चीज़ नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना कि जो बुक्स डाटा था ना वो मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर जब टीचर आते हैं भाईवा लेने के लिए, वो बोले क्या कि इसमें तुम क्या डाटा लिखे हो, बेसोफिल्स कैसे 0.1% हो गया। मैंने आज तक अपने लाइफ में बेसोफिल्स देखा नहीं है, मैंने पूरा MBBS में आज तक बेसोफिल देखा नहीं है कि 0% तुमने कैसे देख लिया, दिखाओ बेसोफिल्स किधर है। आज लाइक यार ऐसा होता है क्या, बेसोफिल नहीं दिखता माइक्रोस्कोप में। उस समय मुझे पता चला कि अच्छा माइक्रोस्कोप में बेसोफिल दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो दैट वाज माय अवसम एक्सपीरियंस जो यार मैंने फर्स्ट ईयर में वो फिजियोलॉजी के भाईवा में देखा था। एक और एक्सपीरियंस यार बायोकेमिस्ट्री के भाईवा में, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के भाईवा में भी एक टीचर थे, वो एक सॉल्यूशन था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, वो लिए, बताया कि इसका नाम क्या, मैंने कलर देख के पहचान लिया कि अच्छा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। फिर उसने पूछा कि इसका कंपोजिशन बताओ, दो कंपोजिशन मैंने बताया, फिर बोला कि और भी है, तो मैंने बोला कि सर इतना ही है, तो बोला किताब पढ़ के आओ। उसी समय किताब बोले पढ़ के आओ, तो यार मैं गया पढ़ के आया, ठीक है, आया, फिर बोले कितना है, मैंने बोला सर इतना ही है, फिर बोला एक बार और पढ़ के आओ, मैंने एक और गया डिटेल में पूरा पढ़ा कि और तो कुछ है नहीं यार, आगे पीछे पूरे पूरा पढ़ लिया। फिर से आया बोलने कि सर इतना ही है, फिर सर बोलते हैं इतना ही नहीं है मैंने पढ़ा है, फिर बोला किताब लेके आओ। अब मैं किताब लेके आया, सर को दिखाया कि सर देखिए किताब में इतना ही है, फिर सर बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम बच गए, मैंने जो किताब पढ़ा था उसमें इतना था, अभी इसमें इतना है। यार मैंने सोचा ये क्या बात है, ठीक है आप टीचर हैं बट जो किताब में दिया रहेगा एटलीस्ट वही हम बोलेंगे ना। तो यार उस समय वैसा होता है कि टीचर के साथ ज़्यादा बहस नहीं करना होता है, मैं कुछ बोला नहीं, ऐसा मैं क्या ही बोलता, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, एंड आई वॉज लाइक ठीक है ओके। तो यार ये सारे चीज़ें हैं ना जो MBBS में आप एक्सपीरियंस करते हो, और भी बहुत सारे यार, बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्ती होती है। दोस्ती के नाम पे यार ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर जब आप पहली बार आते हो ना तो आपके बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनते हैं। आप पहली बार ऐसे जगह पे आ रहे होते हैं जहाँ पे आपका कोई दोस्त नहीं होता है पुराना, ठीक है, और वही चीज़ था मेरा जब मैं अपने कॉलेज में पहली बार आया था, तो मेरा कोई भी ऐसा जान पहचान का दोस्त नहीं था, ठीक है। तो यार सब कुछ खुद से मैनेज करना होता है, सब कुछ आपको खुद से देखना पड़ता है, कितने बजे क्या क्लास है, कोई आपको देखने वाला कोई नहीं, बट धीरे धीरे दोस्ती जब होती है धीरे धीरे बॉन्डिंग बढ़ती है, फ्रेंड्स में नए फ्रेंड्स भी बनते हैं, बट वो जो नए फ्रेंड्स होते हैं धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड आई थिंक नाउ अभी वो जो फ्रेंड्स थे फर्स्ट ईयर में वो अब नहीं है, ठीक है, एक आध फ्रेंड्स रहते हैं जो फर्स्ट ईयर में जो आप बनाते हो वही रहते हैं, बट बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। तो यार MBBS एक ऐसा चीज़ है, MBBS फर्स्ट ईयर, लिटरली MBBS फर्स्ट ईयर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ सीख रहे होते हो, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, एंड वो जो फेज होता है ना आप कभी भूलते नहीं हो लाइफ में, आप कभी नहीं भूलते हो। इसलिए यार मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं उस पार्टी में, उस प्रोग्राम में नहीं जा सका, मेरा मन था बट फिर भी नहीं जा सका, यू नो व्हाई, बिकॉज मैं सीनियर हो चुका था। सीनियर होने के बाद कुछ एटिकेट्स आ जाते हैं अंदर से जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है कि हाँ आप अब सीनियर हो, आपके पास दो जूनियर हो चुके हैं, ठीक है, तो आप सीनियर वाला एक डेकोरम मेंटेन करो। दैट्स व्हाई मैं वहाँ पे जा नहीं सका। तो यार मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप MBBS में आ रहे हो
तो फर्स्ट ईयर वाला जो पार्ट होगा उसको आप जितना हो सके एंजॉय करना, बिना ये सोचे कि सीनियर आपको क्या कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बिना ये सोचे कि आपका दोस्त आपके बारे में क्या सोचेगा। जो भी टैलेंट आपके अंदर होगा आप जरूर अपने कॉलेज के स्टेज पे दिखाना, जो भी कुछ आपके अंदर होगा आप जरूर उसे परफॉर्म करना। जो भी आपके पास कुछ भी टैलेंट है, कुछ भी मन है, तो आप ट्राई जरूर करना कि आप MBBS फर्स्ट ईयर में वो चीज़ को करें। बहुत कुछ आपको MBBS फर्स्ट ईयर सिखाता है। एंड लिटरली नाउ अभी तक हम अपने MBBS फर्स्ट ईयर को भूलते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि MBBS फर्स्ट ईयर ही बहुत ज़्यादा मेमोरेबल पार्ट होता है MBBS का। बाकी बीच के जो पार्ट होते हैं वो तो ऐसे ही जाते रहते हैं, आते रहते, जाते रहते, आते रहते, ठीक है। तो यार पढ़ो उस दिन के लिए जब आप पहली बार कॉलेज में एप्रन पहन के जाओगे, पढ़ो उस दिन के लिए जब आप पहली बार स्टेथोस्कोप लगाओगे, पढ़ो उस दिन के लिए जब यार आपको घर में बहुत रेस्पेक्ट मिलेगा, घर में आपको लोग डॉक्टर डॉक्टर बोलेंगे। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है फर्स्ट ईयर को लेके, एंड फर्स्ट ईयर इज़ द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ माय लाइफ इटसेल्फ। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो यार शेयर करना, लाइक करना, और नेक्स्ट अदर वीडियोज़ भी आते रहेंगे, सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाय बाय।